हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डीआर स्टडी पॉइंट में। आज जो हम लोग जिस सेशन में शुरू करने जा रहे हैं वो सेशन एसबीआई पीओ मेंस का सेशन 2 का पार्ट 2 है। ठीक है, तो बिना देरी के हम लोग सवालों की ओर चलते हैं। जिन लोगों तक ये वीडियो नहीं पहुंच पाया, पीडीएफ नहीं पहुंच पाया, उन लोगों तक वीडियो भी पहुंचा दो और पीडीएफ भी पहुंचा दो। जो लोग पहली बार हमारे चैनल पे हैं, डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ अटैच है, आप चाहे तो वहां से पीडीएफ पे पहले बना सकते हैं सवालों को, उसके बाद फिर आप सॉल्यूशन में ज्यादा इफेक्ट करेगा आपके। ठीक है, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करना ना भूलना देखने के बाद। ठीक है, तो बिना देरी के हम लोग का पहला सवाल क्या है, पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने 15 तक के सवालों को देख लिया था, अभी का जो पार्ट है हम लोग का वो हम लोग 16 से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पहला देखो क्या बोल रहे हैं सवाल में, 5 लेबरर A1, A2, A3, A4, A5 टेक अप अ जॉब। ठीक है, 5 लेबरर्स है जो कि कौन कौन सा है, A1, A2, A3, A4 एंड A5। ठीक है, 5 लेबरर है जिनकी कोडिंग की हुई है, A1 से लेके A5 तक कोडिंग की हुई है। ठीक है, इट इज नोन दैट फॉर x इक्वल टू 1/4, x का मान 1 से लेके 4 तक और ax में मतलब क्या, x का मान 1 रखेंगे तो a1 आएगा, x का मान 2 रखेंगे तो a2 आएगा हमारा। ठीक है, ये कोडिंग है। When working alone takes x plus 1 time as much time as other 4 take। ठीक है, मतलब किसी एक पर्टिकुलर के लिए, वन पर्टिकुलर किसी एक को फिक्स करके, ठीक है, बाकी रिमेनिंग 4 जो है क्या बोल रहा है सवाल में, when working alone takes x plus 1 times as much time as other 4 take। ठीक है, ये लोग मिल के जितना टाइम लेंगे इससे क्या लगेगा, x plus 1 times ज्यादा लगेगा, यानी कि टाइम का जो रेशियो है अकेले इंडिविजुअल का वो जो है बाकी के चारों इंडिविजुअल से क्या लगेगा, x plus 1 times ज्यादा लगेगा। तो यहां से हम इफिशियंसी की अगर बात करें तो इफिशियंसी की रेशियो कितनी हो जाएगी, x plus 1 हो जाएगी यहाँ। ठीक है, अब यहां से देखो, अगर ये एक जो है, अगर ax के लिए हम लोग ले रहे हैं, ax बराबर में हम लोग 1 ले रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, a1 हो जाएगा, और यहां पे जो होगा a2 a3 a4 एंड a5, ये 4 यहां पे हो जाएंगे। ठीक है, तो अब इसी बेसिस पे जो है हम लोग एक डेटा कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, डेटा क्या कलेक्ट कर लेते हैं कि जब हम लोग x बराबर 1 ले रहे हैं तो a1 का रेशियो a2 a3 a4 और a5 के साथ आ जाएगा हमारा, सबका सम्मिलित होके। टाइम का रेशियो का अगर हम लोग बात करेंगे तो टाइम का रेशियो अगर इन लोगों का 1 होगा तो x का मान हम लोगों ने मान लिया, इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इफिशियंसी क्या निकल के आ जाएगा हमारा, 1:2 में कितना, 2। ठीक है, ये यहां से हमारा निकल के आ गया। अब यहां से अगर हम लोग x बराबर में 2 लेते हैं, ठीक है, तो यहां क्या आएगा हमारा, a2 आएगा, रेशियो यहां पे क्या आएगा, a1 a3 a4 एंड a5 आएगा हमारा। अगर ये हमारा 1 होगा तो x प्लस अब 1 करेंगे, x के वैल्यू 2 लिए हम लोगों ने, यहां पे क्या हो जाएगा, 2 1 2 प्लस 1, यानी कि कितना हो जाएगा, 3। 3 रेशियो कितना हो जाएगा, 1। ये हो गया हमारा टाइम। अगर इफिशियंसी का बात करें तो इफिशियंसी कितना हो जाएगा हमारा, 3 रेशियो कितना हो जाएगा, 1। अब तुम थोड़ा सा ध्यान दो यार, सॉरी, इफिशियंसी हो जाएगा 1:3। ठीक है, अब अगर तुम थोड़ा सा ध्यान दोगे तो जब तुमने a1 लिया तो इफिशियंसी जो आ रहा है 1:2 आ रहा है, a2 जब लिया तो इफिशियंसी 1:3 आ रही है, जब तुम a3 लोगे a3 का रेशियो निकालोगे a1 a2 a4 एंड a5 से, 1 लिया तो 2 आया, 2 लिया तो 3 आया, तो 3 लोगों तो क्या आएगा, 4 आएगा, एंड सेम एज a4 के लिए भी हम लोग निकाल सकते हैं, a5 के लिए भी निकाल सकते हैं। अब यहां से देखो आगे सवाल में क्या बोल रहा है, ऑल 5 लेबरर वर्क टुगेदर ऑन अ जॉब एंड दे टोटल अर्न 600 रुपीस, टोटल मिला के हम लोगों को कितना कमाई होगी, 600 की कमाई होगी। ठीक है, तो जो 600 की कमाई होती है, अगर हम तुमसे पूछ दें a1 का शेयर कितना है, ठीक है, तो a1 का शेयर तुम कैसे बताओगे, a1 का शेयर बताने के लिए तुमको क्या करना होगा, a1 1 और बटे में टोटल तुम्हारा होगा a1 से लेके a5, जो कि 1+2 कितना है हमारा, 3 है, गुणे में 600 कर देंगे हम लोग तो 3 से कट जाएगा 200 का, तो ये देगा हमारा 200 दे देगा यहाँ पे। ठीक है, यानी a1 का शेयर निकल गया। सेम ऐसा हम a2 के लिए भी निकाल सकते हैं, a2 के लिए हम लोग क्या करेंगे, a2 का शेयर हम लोग को निकालना रहेगा, तो a2 का शेयर हम लोग कैसे निकालेंगे, 1/4 गुणे में 600 कर देंगे, 4 से कट जाएगा 150 बार में a2 का शेयर निकल जाएगा। लेकिन हमें ये मालूम हो गया, देखो इसमें ना सारा निकालने का कोई जरूरत नहीं है, मैं समझाने के लिए तुम्हें बताऊंगी, ये तुम्हें पता होना चाहिए कि इतना करने से हमारा आ जाएगा। ठीक है, हमको सवाल में पूछा क्या एग्जैक्टली वहां पे आ रहा है, देखो पहला स्टेटमेंट हम लोगों का क्या पूछा हुआ है कि इसमें से ये 3 ऑप्शन दिए हुए, किस किस का हम लोग निकाल सकते हैं ये देख रहा है। पहला बोला शेयर ऑफ a5,
A5 का शेयर हम लोग निकाल सकते हैं, हमको मालूम है A1, A2, A3 इस तरीके से सबका रेशियो हम लोग निकाल सकते हैं, तो A5 भी निकाल लेंगे, A5 का भी शेयर निकल जाएगा हमारा, तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, सही हो गया। सेकंड स्टेटमेंट देखो क्या है, डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ A1 एंड A4, जिस तरीके से A1 निकाला A2 निकाला उसी तरीके से A4 भी निकल जाएगा, A1 A4 का डिफरेंस बोला बिल्कुल निकाल सकते हैं सर हम लोग। फिर आगे देखिए अगला क्या, तीसरा नंबर में रेशियो बिटवीन द वर्क डन बाई A2 एंड A3, A2 और A3 का वर्क डन का रेशियो बताना है। सिंपल है, यहाँ से A1 A2 का यहाँ से निकाल दिया तुम, 3 और 1 कितना 4, ठीक है, 4 और 1 यहाँ पे कितना हो गया 5 हो गया, तुम्हारे वर्क डन का रेशियो है लेकिन बोला सब एक ही काम कर रहे, तो पहले काम को इक्वल कर दो, 3 और 1 4 है, यहाँ 4 और 1 5 है, इसको 5 से गुना कर दो, इसको 4 से गुना कर दो, काम बराबर हो जाएगा, यहाँ पे भी 20 काम निकल के आ जाएगा और यहाँ पे भी तुम्हारा टोटल 20 काम हो जाएगा। अब A2 जो काम किया होगा 5 × 1 = 5 काम किया होगा, A3 जो किया होगा 4 × 1 = 4 काम किया होगा, 5 × 4 यहाँ से निकल गया, A2 A3 का कुछ रखा था, A2 A3 भी निकल गया, यानी कि इस सवाल में हम लोग का क्या होगा कि तीनों डेटा हमारा निकल गया, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ दिस ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्लियर होगा, अगला सवाल कर सकते हैं। अगला सवाल देखो क्या, नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, 3 रॉ मटेरियल पी क्यू आर यूज टू मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट एक्स, ठीक है, कोई एस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए हम लोग को 3 रॉ मटेरियल की जरूरत होती है, पी क्यू एंड आर, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है हम लोग को सवाल में, पी कंट्रीब्यूट्स 20% ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ एस, लेट्स से टोटल कॉस्ट एस का ये है 100 है, तो पी कंट्रीब्यूट करता है कितना 20%, यानी 20 कंट्रीब्यूशन देता है पी का। फिर क्या बोल रहा है आगे सवाल में, 20% cost, while Q and R contribute 10% each of the total cost of S. Total cost का 10-10%, यानी ये 10, ये 10, 20, 10, 30, 10, 40 हो गया, 60 कहीं और सोर्स से आ रहा होगा हमारा, ठीक है। अब आगे देखो, आगे लाइन में क्या दे रखा है तुम्हारा सवाल में, बोल रहा है, now if the cost of P, Q, R are 20% higher than higher and S total cost was 10% higher, यदि PQR टोटल जो है 20% बढ़ जाते, ठीक है, तो तीनों को बढ़ाना है, या तो इंडिविजुअल बढ़ाओ या जोड़ के बढ़ा दो, 20, 10, 30, 10, 40, 40 को 20% से जब तुम बढ़ा दोगे तो ये तुम्हें कितना देगा, 48 देगा, ठीक है, इसको जब तुम 10% से बढ़ा दोगे तो ये तुम्हें कितना देगा, 110 देगा, ठीक है, ये तुम्हारा डेटा निकल गया यहाँ से। अब देखो तुमसे सवाल में क्या बोल रहा है कि द परसेंटेज कंट्रीब्यूशन ऑफ रॉ मटेरियल ऑफ पी क्यू आर टू टोटल कॉस्ट ऑफ एस बिकम, टोटल कॉस्ट का कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन अभी हो जाता है तीनों मिला के, तो 110 का हम लोग बोल देते हैं एक्स परसेंट कंट्रीब्यूशन हो जाता है, बराबर में क्या हो जाएगा हमारा 48, 0, 0 यहाँ से काट दो, एक्स बराबर में कितना हो गया 485 में कितना 11, ठीक है। अब जब इसे सॉल्व करोगे तो यही सॉल्व करने के बाद तुम्हें क्या देगा 43/7 में 11%, और यही हमारा आंसर है 43/5 में कितना 7%, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ई हो जाएगा इस सवाल का, 43/7 में 11%, ठीक है। तो ये भी बड़ा आसानी सवाल था हम लोगों का, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, अगला सवाल देखो हम लोग का क्या है, नेक्स्ट में देखो क्या बोल रहा है, जॉनी जॉन जॉनी एंड जनार्दन आर बिजनेस पार्टनर इन एन इन्वेस्टमेंट कंपनी, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कंपनी में जॉन जॉनी और जनार्दन एक इन्वेस्टमेंट पार्टनर है, ठीक है, तो हम लोग ना इसे थोड़ी कोडिंग कर देते हैं, नाम थोड़ी अलग अलग है, कोडिंग कुछ होगा नहीं, यहां से हम लोग पूरा लिख लेते हैं, जॉन जॉनी और जनार्दन, ठीक है। अब यहां से देखो क्या बोल रहा है, They receive a total profit of X from this scheme. Total profit of X कितना profit वो लोग scheme लाते हैं, मतलब पाते हैं profit जो उन लोगों को मिला, वो कितना मिला उन लोगों के according सवाल के according X मिला है profit, ठीक है। आगे देखो आगे क्या बोल रहा है सवाल, profit जब X मिल गया तुम्हारा, तो बोल रहा है तुमसे सवाल में कि Johnny received 90% of the total profit and John received 90% of the total profit. एंड जॉनी एंड जनार्दन शेयर द रिमेनिंग प्रॉफिट इक्वली, ठीक है, मतलब जॉन को जो मिला वो 90% मिला, तो 100% में 90 ही ले लिया, तो बाकी इक्वली बांटना है, तो इसको इसको कितना मिलेगा, 5% मिलेगा, 5% मिलेगा, ठीक है, 5, 5 और 18 क्या रेशियो दिया, 18:1:1, ठीक है, ये क्या चीज का रेशियो निकल गया हमारा, प्रॉफिट का निकल गया। अब तुम थोड़ा सा ध्यान दो यहाँ पे, सब यहाँ पे इस सवाल में जो है कहीं पे भी टाइम की कोई चर्चा नहीं की हुई, मतलब क्या है सबका टाइम इक्वल होगा हमारा। अब एक चीज हमें मालूम है, जब टाइम इक्वल होता है तो प्रॉफिट का रेशियो बोलो चाहे इन्वेस्टमेंट का रेशियो बोलो, ठीक है, प्रॉफिट बोलो या इन्वेस्टमेंट बोलो, उस बात क्या है हमारा बराबर,
ठीक है, ये रेशियो जो है ये दोनों के लिए हम यूज करेंगे, हमारा प्रॉफिट के लिए भी यूज करेंगे, इन्वेस्टमेंट के लिए भी यूज करेंगे। ठीक है, अब तुम इससे सवाल में क्या बोल रहा है, इफ द प्रॉफिट राइजेस बाय 3% जॉन इनकम इंक्रीजेस बाय 540 रैन। ठीक है, अगर प्रॉफिट 3% से बढ़ जाता तो न्यू प्रॉफिट जो है हमारा वो क्या हो जाता, एक्स का 103 बटे में कितना 100, 103x बटे में कितना 100, यही हो जाता हमारा नया प्रॉफिट। जब नया प्रॉफिट हो गया तो जॉन को जो है कितना अधिक मिल रहा है, 540 अधिक मिल रहा था। पहले जॉन को कितना मिलता है देखो, 18 बटे में, पहले जॉन को जो मिलता 18 बटे में 20 ऑफ किसका एक्स। ठीक है, फिर न्यू में उसको कितना मिलता, 18 बटे में 20 ऑफ 103x बटे में कितना 20, 103x बटे में कितना 100, और इन्हीं दोनों का अंतर लिए हुआ है कितना 540। ठीक है, जब तुम इसे घटाओगे तो साफ साफ दिख रहा है 18 बटे में 20 गुने में 3x बटे में 100 बराबर में कितना हो जाएगा 540 हो जाएगा। 18 3 तुम काट दोगे 540 को, ये डायरेक्ट कर देगा हमारा 10 बार। ठीक है, फिर डायरेक्ट कर गया तो x की वैल्यू जो निकल के आ गई वो कितनी निकल के आ गई, 20,000 निकल के आ गई। ठीक है, x कितना निकल के आ गया 20,000, मतलब ये 20,000 जो है हमारा वो इसी रेशियो में बटा हुआ है 18:1:1 में। अगर तुम थोड़ा सा ध्यान दोगे तो प्रॉफिट का जो रेशियो होगा वो 18,000, 1,000 और 1,000 होगा। ठीक है, जो प्रॉफिट का रेशियो वही तुम्हारा इन्वेस्टमेंट का भी रेशियो है। तुमसे सवाल में एक पूछ रहा है जॉनी और धनार्दन का सम बताने के लिए इन्वेस्टमेंट का, तो अभी तुम्हें बताया मैंने प्रॉफिट बोलो या इन्वेस्टमेंट बोलो, सभी दोनों का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि उनकी टाइम जो है इक्वल है। ऐसा कोई नहीं बोला है कोई एक 2 साल के लिए, कोई एक 1 साल के लिए, कोई 6 महीना के लिए, कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, ये 18,000 कंट्रीब्यूट कर रहा है, बाकी ये दोनों मिला के कितना कंट्रीब्यूट करेंगे, 2000 कंट्रीब्यूट करेंगे। तो ये हमसे सवाल में था कि दोनों मिला के कितना कंट्रीब्यूशन है, दोनों मिला के उनका कंट्रीब्यूशन 2000 है, और इसी के साथ हमारा आंसर जो है वो 2000 है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो अगला सवाल पूछ सकते हैं, अगला सवाल देखते हैं। देखो अगला सवाल में क्या बोल रहा है, A bus has 40 passenger seats and space for cargo transport. एक बस में 40 passenger का सीट है, कुछ space cargo transport का है। A bus trip cost 40,000. एक bus trip में जो है पूरा costing जो आता है वो आता है 40,000. ठीक है, 40,000 हो गया total costing. ये हमारा total costing है, मतलब ये जो खर्च है हमारा, इसमें profit नहीं included है, ये हमारा सिर्फ खर्च को indicate कर रहा है, जो कि कितना है हमारा 40,000. ठीक है, अब यहां से आगे देखो, आई क्या बोल, 10% ऑफ विच इज अर्न फ्रॉम द कार्गो ट्रांसपोर्ट, 10% जो है वो कार्गो ट्रांसपोर्ट से आ जाता है, यानी कि 40,000 का जब हम लोग 10% निकालेंगे तो 10% करने का मतलब कितना हो जाएगा हमारा 4,000 हो जाएगा। 4,000 जो है हमको कौन दे रहा है, कार्गो से। ठीक है, तो ये कहानी हमारा 4,000 हो गया, तो जब 4,000 इसमें से घटा देंगे तो बाकी कितना बचेगा हमारा, 36,000 बचेगा, जो कि कहां से आएगा हमारा, वो 40 पैसेंजर सीट से आएगा हमारा। ठीक है, 20 पैसेंजर सीट्स आर सोल्ड फॉर 800 ईच, 20 पैसेंजर सीट को जो है 800 ईच में बेच दिया जाता है, मतलब क्या है, ये 40 पैसेंजर का है, 20 सीट को जो है वो हम 800 पे बेच दे रहे हैं, तो यानी 20 में 800 हमको मिल गया, कितना मिल गया हमारा 16,000 मिल गया। हमारा रिमेनिंग कितना है हमारा, अभी 20,000 रिमेनिंग हमको अभी और चाहिए, रेस्ट ऑफ द अमाउंट जो है हमारा 20, ये हमारा अभी भी मैं बता रहा हूँ, अभी भी हम लोगों को कहीं पे भी प्रॉफिट नहीं हुआ, अभी तक हम लोग वो निकाल रहे हैं हमारा एक्चुअल कॉस्टिंग आएगा कहीं जा रहे हैं। ठीक है, आगे देखो आगे क्या बोल रहा है, नोवल बोल रहा है द रेस्ट ऑफ द सीट मस्ट बी सोल्ड एट डैश रुपीज। ठीक है, रेस्ट ऑफ द सीट जो है कितने रुपए में बेचा जाए, मान लिया यहाँ पे एक्स रुपए में बेचा जाए, ठीक है, एट रुपीज ईच टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ डैश परसेंट, पूरे पे हमको डैश परसेंट का प्रॉफिट हो। ठीक है, तो पूरे पे हम लोगों को मान लिया हम लोग यहाँ पे वाई परसेंट का प्रॉफिट। ठीक है, अब पहला ही तुम देखो, पहला तुम्हारा रेस्ट ऑफ द जो अमाउंट है वो है तुम्हारा 20 सीट का। ठीक है, 20 सीट का तुम्हारे पास ये है, तुमको प्रॉफिट चाहिए वाई परसेंट का, तुम्हारा पहला ऑप्शन जो है वो है 1240 और यहाँ पे कितना है तुम्हारा 12% है। ठीक है, जब तुम्हें 12% का प्रॉफिट चाहिए, 12% का प्रॉफिट कहाँ चाहिए, ओवरऑल चाहिए, तो 40,000 का जब तुम 12% निकालोगे, ठीक है, तो 40,000 का 12% निकालो तो कितना होता है तुम्हारा, 40,000 का 12 जो 4800 हो जाता है। ठीक है, तुम्हें कितना का प्रॉफिट चाहिए, 4800, मतलब तुम्हें कलेक्शन जो करना है वो 20,000 कलेक्शन करना है और 4800 का कलेक्शन करना है, मतलब टोटल तुम्हारा कलेक्शन कितना होना चाहिए, 24,800।
ठीक है, टोटल हमारा कलेक्शन कितना होना चाहिए, 24,800 होना चाहिए। अब ये 1240 सीट हम लोग को बचा हुआ है, तो पहला ब्लॉक क्या है हमारा 1240 सीट, ठीक है 1240 रुपया है, और हमारे पास सीट जो बचा हुआ है वो 20 बचा हुआ है। अगर 20 गुना 1240 करने पे ये आ रहा है हमारा तो सही है, नहीं तो क्या है, गलत है। तो सही कर देखो, दुगुना करके 00 हो गया, 4 गुना 8, 2 गुना 4, 2 4 8 00, 2 4 8 00 आ जा रहा है, बिल्कुल सही है हमारा, और इसी तरीके से हमारा आ जा रहा है, तो ये बराबर हो जा रहा है। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखो सिंपली सवाल में क्या ध्यान रखना है कि 4000 कार्गो लेके चला गया, ठीक है 4000 कार्गो वाला दे दिया 40,000 में, 40,000 हमारा कुल खर्चा, मतलब कहीं भी जाने के लिए अगर कोई हम बिजनेस शुरू कर रहे हैं, बस का एजेंसी शुरू कर रहे हैं, तो हमने एक बस की जब एजेंसी शुरू की तो हमने एस्टिमेटेड खर्च देखा कि हमने कितना खर्च करना पड़ेगा एक बस को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में, ठीक है। तो हमें पता चला वो मेरा 40,000 का खर्च आएगा, ठीक है। अब हम लोग प्रॉफिट देखेंगे, हमको प्रॉफिट भी चाहिए होगा, तो 4000 रुपया आपको कार्गो से आ जा रहा है, ठीक है, कहां से आ रहा है, प्रॉफिट कहां से कमा सकते हैं। 820 सीट को हम 800 रुपए में बेच दिए, यानी 16,000, 16,400 हमारा 20,000 चला गया, बचा कितना 20,000। अब हमारे पास जो सीट हमें बेचनी है वो कितनी सीट है हमारे पास, 20 सीट है, जो प्रॉफिट कमाना है उसी पे कमाना है। 20 सीट को हम लोग 1240 रुपए के हिसाब से बेचेंगे तो टोटल में हमारा क्या होना चाहिए, 12% का प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहां से तुम देखो, अगर आगे का इक्वेशन सॉल्व करना है तो तुम यहां से ऐसे बना सकते हो कि 20 सीट को पहला वाला ब्लैंक जो है वो एक्स रुपए पे तुम बेचोगे, ठीक है 20 सीट कितना बेचोगे, एक्स रुपए पे तुम बेचोगे, तो ये जो है तुम्हारा किसके बराबर हो जाएगा, तुम्हारा टोटल पे जो प्रॉफिट है हमारा 40,000 पे वाई परसेंट और प्लस में किसके बराबर होगा, 20,000 के बराबर, ठीक है किसके बराबर हो जाएगा, 40,000 पे वाई परसेंट और प्लस में कितना, 20,000 ऐड कर देंगे, तो ये हमारा बराबर हो जाएगा। एक एक करके एक्स और वाई का वैल्यू रखते चले जाओ, जहां जहां पे ये सेटिस्फाई हो जाएगा वहां वहां पे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इस सवाल का जो आंसर है हम लोगों का, ये सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए सी डी ई, ठीक है ऑप्शन रख के चेक कर लेना, ओनली ए सी डी ई से हमारा जो है ये सवाल सॉल्व हो रहा है, ठीक है। और कहीं से भी हमारा ये सवाल सॉल्व नहीं होगा तो सॉल्व कर सकते हो तुम, उसको वीडियो को लंबा करने से कोई फायदा, ठीक है चलो आगे देखते हैं अगला सवाल हम लोगों का क्या है। नेक्स्ट देखो क्या होगा, नेक्स्ट में बोल रहा है टू फ्रेंड बी एंड क्यू कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 एंड 60 डेज रेस्पेक्टिवली। दो फ्रेंड है जो काम को पी और क्यू कंप्लीट करता है 15 और 60 दिन में, पी करता है 15 दिन में, क्यू करता है 60 दिन में, तो टोटल वर्क यहां से कितना निकल के आ गया 60, 15 से 4 बार में, यहां एक बार में। Both of them working together can finish the work in X days. X दिन में काम खत्म होकर देते हैं, तो X दिन तो निकाल सकते हैं 4+1 यानी कितना हो जाएगा 12 दिन में काम हमारा जो है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है हमारा सवाल में कि both of them work for X days with P working with dash percent efficiency। दोनों मिलके कुछ X दिनों तक काम किए, मतलब कितना 12 दिन तक, यहाँ पे बी जो है अपना पूरा एफिशिएंसी से काम नहीं कर रहा है, कुछ परसेंट एफिशिएंसी से काम कर रहा है। पहला ब्लैंक हम लोगों को मिला, हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं वो ए परसेंट एफिशिएंसी से काम कर रहा है, तो बी अपना ए परसेंट, वाइल क्यू वर्किंग विथ 100%, क्यू अपना पूरा पूरी एफिशिएंसी से काम कर रहा है, तो 4 का ए परसेंट यहाँ पे हो गया प्लस 1 हो गया, और दोनों मिलकर कितना दिन तक काम किया, 12 दिन तक काम किया, ठीक है। फिर बोल रहे हैं द रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाय क्यू अलोन, बाकी बचा काम जो है क्यू अकेले करता है वर्किंग विद 80% एफिशिएंसी, 80% एफिशिएंसी से करता है इन डैश डेज, कुछ वाई दिनों तक काम किया होगा तो सेकंड ब्लॉक जो है वो हमारा क्या निकल गया वाई, और इस तरीके से हमारा जो काम खत्म हुआ है वो कौन सा काम खत्म हुआ है, 60 काम खत्म हो गया, ठीक है। अब इसी इक्वेशन में ए और वाई का वैल्यू रख के चेक करना है किससे हमारा आंसर आ रहा है। देखो पहला ऑप्शन जो है हम लोगों का, वो पहला ऑप्शन क्या है यहाँ पे मैं इधर लिख देता हूं, ए परसेंट वाई, ठीक है पहला ऑप्शन जो तुम्हारा है वो है 80 है और 12, ठीक है कितना कितना दिए हुए 80 और 12, यहां पे तुम क्या करोगे 4 × 80 / क्या लिख दो 100 लिख दो, ठीक है प्लस में 1 कर दो, गुने में क्या कर दो 12 कर दो, प्लस में 80 है यहाँ पे 80/100 कर दो और गुने में क्या कर दो 12 कर दो, और ये सॉल्व करने के बाद अगर 60 के बराबर होगा तो ये सही होगा, नहीं होगा तो सही नहीं होगा, ठीक है। तो सॉल्व करके हम लोग 20 से काट देते हैं 4 बार में, 20 से काट देते हैं 5 बार में, 4 × 16 और यहाँ से 5 चला जाएगा यानी कितना हो जाएगा 21/5
और दुनिया में क्या दे देगा, हमारा 12 दे देगा। ठीक है, यहाँ पे सेम चीज करते हैं, 20 से 4 बार में, 20 से 5 बार में, और प्लस यहाँ पे क्या कर देते हैं, 4 गुने 12 कर देते हैं, बटे में 5 कर देते हैं। देखो अगर इसे मल्टीप्लाई करने के लिए रहा होगा तो 10 को भी दो, यहाँ पे तुम देखो 12 12 कॉमन आ रहा है, 12 जब कॉमन आ रहा है तो 21 टाइम कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, यानी कि 12 गुने में 25 बटे में क्या मिल गया हमें, 5 मिल गया, 5 से 5 कर लिया, 12 बचे कितना हो गया 60, ये 60 जो है हमारे 60 के बराबर है, यानी ये सेटिस्फाई कर रहा है, पहला नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो मेन हमारा जो है वो ये इक्वेशन निकल के आए, ये इक्वेशन डिराइव कर लो, इस इक्वेशन को डिराइव कर लो और इस इक्वेशन पे सारी वैल्यू पुट कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस सवाल में जब तुम पुट करने के लिए जाओगे तो तुम्हारा सारा ही ऑप्शन जो है वो सेटिस्फाई करेगा, जितने भी ऑप्शन 5 ऑप्शन दे रखे हैं वो 5 ऑप्शन सेटिस्फाई करेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑल ऑफ देम हो जाएगा और यही हमारा आंसर है। ठीक है, हम लोग कैलकुलेशन में ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, मेन हमारा इक्वेशन डिराइव करना है, इक्वेशन डिराइव करके सारा वैल्यू को पुट करके देख लो, पुट एक बार जरूर कर लेना कि सारा वेरीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उसके बाद फिर हम लोग करेगा। ठीक है, चलो पुट कर लेना तुम लोग, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर, अगला सवाल देखो हम लोग का क्या, तो अगले सवाल की ओर चलते हैं, अगला सवाल हम लोग का क्या है ये देखो, The average weight of 5 sacks of present rice present in a shop is 80 kg. 5 sacks में जो average rice है वो 80 kg है, तो सब कितना हो जाएगा 5 sacks का, 80 into में कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहां से देखो आगे क्या बोल रहा है, 80 into में कितना हो गया हमारा 5 हो गया। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है हमारा सवाल में, 10 kg rice taken out, तो हम लोगों ने पूछ दिया a kg rice, पहला ब्लैंक जो निकल के आया वो क्या निकल गया है, a निकल गया है। ठीक है, फिर बोल रहा है आउट कीपिंग द सैक्स इंटैक्ट, सैक्स जो है सैक्स की जो मात्रा है वो 5 की 5 ही है, वो नहीं बदली हमारी। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है हमारा, द न्यू एवरेज इंक्रीजेस बाय 8 kg, नया एवरेज, तो नया एवरेज क्या होता है, सबसे पहले ये देखो नया एवरेज क्या होगा, ये आप ए से निकल गया, नया एवरेज ये है, ये 8 से बढ़ रहा है, कब ये 8 से बढ़ रहा है, When two more sacks of rice average weight 10 kg, average weight मानिए 20 kg, तो सम कितना हो जाएगा 2b हो जाएगा, 2b बदल और बढ़ जाता है, तो 80 गुने 5 था ही a था, 2b और बढ़ जाता है और बटे में नया एवरेज क्या हो जाता है 7, तो नया एवरेज जो है वो एकदम कंप्लीट नया एवरेज, वो मिडिल वाले एवरेज से 8 बढ़ जाता है, यही हमारा सवाल में दिया हुआ है। इसी को हमको सॉल्व करके ए बी के टर्म में वैल्यू लाना है और वैल्यू पुट करके देखना है कौन कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। चलो इसे सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करो यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा 400 माइनस में ए प्लस में कितना हो जाएगा तुम्हारा 2b बटे में 7 बराबर में 400 माइनस ए प्लस में 40 बटे में कितना 5, इसे सॉल्व मत करना भी। ठीक है, यहाँ से देखो 400 400 है तो कॉमन भी हम लोग ले सकते हैं, यहाँ से हम लोग क्या लिख देते हैं 400 गुने में 5 माइनस में 5a प्लस में 10b बराबर में 400 गुने में 7 माइनस में 7a प्लस में 7 428 यानी 250। ठीक है, साथ ही को जब इधर ले जाके आओगे तो ये क्या देगा 2a प्लस में 10b, 400 into 7 400 into 5 घट के क्या देगा 400 into 2 यानी कि 800 प्लस में 280 बराबर में कितना आ जाएगा 1080 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ गया 1080 आ गया, 2 से 5 बार में 2 से 540 बार में ये हमारा आ गया, a प्लस में 5b जो निकल के आया है वो निकल के आया कितना 540 निकल के आया। ठीक है, 540 निकल के आ गया, a और b की वैल्यू पुट करके चेक कर लो, पहला ऑप्शन जो तुम्हारा दिए हुआ है वो पहला ऑप्शन है कितना 45 और 99। ठीक है, चेक करते हैं 45 और 99 में, यहाँ पे अगर हम लोग 45 रखते हैं और 5 गुने में हम लोग क्या कर देते हैं 99 कर देते हैं, तो 5 गुने में जब तुम 99 करोगे तो 9 5 45 फिर 9 5 45 और 4495 और प्लस में हमारा कितना है 45 ऐड कर दोगे इन दोनों को, तो ऐड करने के बाद ये भी तुम्हें कितना देगा 540 देगा, सेटिस्फाई हो रहा है हमारा, मतलब मेन इक्वेशन जो हमारा निकल के आ रहा है वो यही निकल के आ रहा है। अब ये इक्वेशन निकल गया, ऑप्शन पुट करते चले जाओ, जहां पे तुम्हारा सेटिस्फाई हो रहा है वही हमारा आंसर हो जाएगा, तो इसमें जब सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद सभी सेटिस्फाई कर रहे हैं, जिसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ देम हो जाएगा, चाहो तो वैल्यू चेक करके सेटिस्फाई कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, अगला सवाल देखो क्या होगा, क्या बोल रहा है, ए क्लास हैज अ बॉय, ए क्लास हैज बॉयज एंड गर्ल्स आर इन द रेशियो 3:2। ठीक है, बॉय और गर्ल का जो रेशियो है वो रेशियो है 3:2, थोड़ी देर के लिए हम लोग मान लेते हैं इसे 300x वेरिएबल के साथ ही मान लो। ठीक है, कहीं अगर जरूरत पड़ा तो हमारा इजीली सारा चीज निकल जाएगा, इसे मान लिया हम लोगों ने 2x 200x,
तो टोटल जो संख्या है हमारी, तो टोटल संख्या कितनी निकल के आ जाएगी, 300 और 200 कितना हो जाएगा, 500 100 रहेगा। ठीक है, आगे देखो आगे सवाल में क्या बोल रहा है। ऑल स्टूडेंट्स आर सिंगर डांसर बोथ और नन। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स जो है वो क्या है, या तो सिंगर है, तो ये वाला सर्कल हम लोगों का किसको बताएगा, सिंगर को बताएगा, या फिर वो डांसर है, तो ये वाला पार्ट जो है हम लोगों का डांसर होता है। ठीक है, या फिर वो कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं का जो कॉलम है उसका हम लोग क्या कर देते हैं, अलग बना देते हैं। ये वाला पार्ट जो पर्टिकुलर पार्ट है, ये पार्ट हम लोगों का किस चीज को बताएगा, बोथ को बताएगा। ठीक है, ये हमारा एक ग्राफ बन के आ गया। अब क्या बोल रहा है, द टोटल नंबर ऑफ सिंगर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ डांसर। देखो इस चीज को ना मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूँ यार, मे बी टोटल नंबर ऑफ सिंगर और टोटल नंबर डांसर बराबर है, तो उससे क्या हमको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, अगर हम लोग लेट्स से इसको ए बोले, इसको बी बोले, इसको सी बोले, अगर हमारा टोटल सिंगर का बात आया तो क्या है, ए प्लस बी, टोटल अगर डांसर का बात आया तो क्या है, ए प्लस सी, सॉरी बी प्लस सी। ठीक है, टोटल अगर हम लोग सिंगर को बोले तो वो क्या हमारा ए प्लस बी, अगर टोटल डांसर को बोले तो क्या हमारा बी प्लस सी। ठीक है, जब हम लोग इसी को अगर यहाँ बराबर बोल रहे हैं तो बी बी तो कैंसिल हो गया, बराबर करने का मतलब ए बराबर सी, यानी ओनली सिंगर और ओनली डांसर भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो कहीं पे अगर हमारा कुछ रिलेशन इस तरीके से निकलेगा तो हम लोग ओनली सिंगर और ओनली डांसर को क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। ठीक है, अब यहां से आगे बढ़ते हैं, देखो आगे क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु आर बोथ सिंगर एंड डांसर, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो क्या है, बोथ है, सिंगर है और क्या है, डांसर है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु आर बोथ सिंगर एंड डांसर एंड द स्टूडेंट हु आर नीदर सिंगर और डांसर इज 12% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। वैसे स्टूडेंट की संख्या जो बोथ यानी ये वाला पार्ट और जो कुछ नहीं यानी नन वाला पार्ट वो है, यानी कि बोथ प्लस में नन जो है ये हमारा क्या है, टोटल का 12%, 500 एक्स का 12%, यानी कि कितना हो जाएगा हमारा, 60x हो जाएगा हमारा। ये यहां से अभी तक हम लोग का एक डेटा निकल के आया। ठीक है, अब आगे देखो आगे क्या है हम लोगों का अगला डेटा क्या दे रखा है हमारा, बोल रहा है हम लोगों को सवाल में कि 33.33% ऑफ द बॉयज। ठीक है, 33.33% मतलब क्या, 1/3 बॉयज की संख्या का 1/3 जो है, मतलब बॉयज 1/3 ऑफ द बॉयज आर सिंगर वाले। ठीक है, अगला लाइन देखो क्या, 33.33% ऑफ द बॉयज आर सिंगर वाले, 33.33% आने का मतलब क्या, 1/3 बॉयज की संख्या का 1/3 जो है वो क्या है, सिंगर है सिर्फ। ठीक है, तो अब यहां से देखो तुम्हारा डिवीजन शुरू हो गया, सिंगर में भी बंटवारा कर दिया बॉयज और गर्ल्स का, तो हम लोग भी यहाँ बंटवारा कर देते हैं। ठीक है, यहाँ हम लोग लिख देते हैं बॉयज जिसकी संख्या हमारी है 300x है, और यहाँ हम लोग लिख देते हैं गर्ल्स जिसकी संख्या हमारी कितनी है, 200x। ठीक है, बॉयज की संख्या का 1/3 यानी 1/3 ओनली सिंगर है, ओनली सिंगर हम लोग इंडिकेट कर दी। अब थोड़ा सा एक चीज वहां पे मैंने छोड़ रखा है, यहाँ पे क्या कि 60x स्टूडेंट्स जो है वो बोथ और नन को इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, तो जो बाकी बचे स्टूडेंट्स होंगे वो किसको इंडिकेट करेंगे, सिंगर और डांसर को इंडिकेट करेंगे। ठीक है, तो सिंगर और डांसर वाला जो हमारा है टर्म वो कैसे निकलेगा, सिंगर प्लस में अगर हम लोग डांसर करते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो कैसे निकलेगा, टोटल हमारे 500x है जिसमें हमारा 60x घट जाएगा, तो ये क्या निकल जाएगा हमारा, 440x। ये 440x वो कौन कौन से टर्म हमारे आ गए, ओनली सिंगर वाले, ओनली डांसर वाले, क्योंकि हमारे पास स्टार्टर में एक ओनली सिंगर का, एक बोथ का, एक ओनली डांसर का, एक टोटल नन का। ठीक है, जिसमें बोथ और नन वाला हम टोटल में अगर घटा दे तो क्या मिलता है हमारा, ओनली सिंगर और ओनली डांसर। स्टार्टिंग में मैंने तुम्हें समझाया था सवाल में क्या बोला था, कि टोटल सिंगर टोटल डांसर के बराबर है, जब टोटल सिंगर टोटल डांसर के बराबर होगा तो ओनली सिंगर और ओनली डांसर भी क्या होगा, बराबर होगा। तो यहां से जब 440 है तो ओनली सिंगर जो होगा हमारा, ओनली सिंगर बोलो या फिर डांसर बोलो, ये भी तुम्हारा क्या होगा, दोनों में कितना होगा, 220x होगा। ठीक है, दोनों ही कितने निकल जाएंगे, 220x। जब ये 100x बॉयज ले रहा है ओनली सिंगर, तो 120x कौन लेगा हमारा, 10 ले लेंगे यहाँ पे। ठीक है, आगे देखो आगे सवाल में क्या बोल रहा है, 50% ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट सिंगर, जो सिंगर नहीं है। ठीक है, सिंगर नहीं है वो है 50%, 500 का 50% कितना निकल के आएगा सर, 250 निकल के आएगा।
ठीक है, मतलब 250x हमारा, 250x ऐसे स्टूडेंट्स है जो सिंगर नहीं है, सिंगर वाले तो पहले ही खत्म हो गए, ठीक है, और सिंगर नहीं है तो इधर वाला कंडीशन भी हमारा खत्म है। अब यहां से देखो 250x जो जाएगा वो कहां जाएगा, ऑनली डांसर में जाएगा, ऑनली डांसर हमारा पहले ही निकल गया था, कितना निकल गया था 220x निकल गया था, तो 220x निकल के आया, ये 250 है तो 30x कहां से आ गया भैया, तो 30x वो लोग हो जाएंगे जो ना ही नीदर सिंगर होंगे, ठीक है, ना ही क्या होंगे, सिंगर होंगे और नॉन डांसर, ठीक है। अब तुम देखो यहां से क्या है, ये वाला पार्ट कितना आ जाएगा घट के हमारा 30x, ठीक है, इस पार्ट को समझो, तुम्हें क्या बोला समाज में कि सिंगर नहीं है वो 50% है, तो 250x निकल गए, सिंगर नहीं मतलब ये वाला सर्कुलर पार्ट खत्म हो गया जिसमें ऑनली सिंगर और ये बोथ का टर्म खत्म हो गया, हमारे पास बचा क्या, ऑनली डांसर वाला बचा और नन वाला कंडीशन बचा, ये चार चीज पे फोकस होता है, ठीक है, तो ऑनली डांसर वाले तो 220 थे, तो 250 में 220 घटा दे तो नन वाले निकल गए, नन की संख्या कितनी निकल रही है हमारी, 30x निकल रही है। अब तुम यहां से देखो वो थर्ड नन मिला के 60x है हमारा, ठीक है, जब वो थर्ड नन मिला के 60x है तो नन की संख्या 30x, तो बोथ की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 30x हो जाएगी, बोथ में निकल के आ गया, लेकिन बॉयज और गर्ल्स की रेशियो में ये भी निकल के नहीं आया। आगे देखो क्या बोल रहा है, रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स फॉर बोथ सिंगर एंड डांसर इज 2:1, जो बोथ है वो 2:1 में, यानी 30x जो बटेगा वो किस रेशियो में बटेगा, 2:1 में बटेगा, 2:1 का मतलब क्या, बॉयज 2 और गर्ल्स 1, यानी साफ साफ दिख रहा है ये 20x और 10x में बटेगा हमारा, यानी यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया 20x, यहाँ पे लिख दिया हम लोगों ने 10x, ठीक है, ये डेटा हम लोगों का गया। अब आगे देखो आगे क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ गर्ल्स हु आर ऑनली डांसर, लड़कियों की संख्या जो सिर्फ डांसर है उनकी संख्या क्या बोल रहा है, 50% ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज हु आर सिंगर, हु आर ऑनली सिंगर नहीं बोल, हु आर सिंगर बोला है, ठीक है, तो सिंगर कौन कौन सा, ये देखिए 100x और 20x, यानी कि कितना हो गया 120x हो गया, इसका 50% लड़कियां जो है सिर्फ डांसर है, तो 50% करने का मतलब कितना हो जाएगा 60x, जब ये ऑनली डांसर 220 है ये 60x हो गया, तो ये ऑनली बॉयज वाला टर्म जो आएगा वो कितना निकल के आ जाएगा हमारा 120x निकल के आ जाएगा, 120x यहां से निकल गया। अब हमारा क्या है, आगे कोई डेटा नहीं दिया हुआ सवाल में, लेकिन अब एक चीज हम लोगों ने यहाँ देखा, ये नन वाला कंडीशन जो है ना अभी तक भराया नहीं है, क्योंकि इसमें से टोटल निकल गया, तो ये कैसे भरा गया, ये देखो 100x सिंगर है, 20x बोथ है, 120x ऑनली डांसर है, जोड़ो तो कितना होगा, 120 और 100 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी ये 120 नहीं होगा, ये 160 होगा, ठीक है, 160 और 20 280, टोटल 300 बॉय है, 280 यहां से हमारा निकल गया, तो 20x जो लोग होंगे वो क्या होंगे, नन में होंगे, 30 है यहाँ 20x चला जाएगा, यानी कितना बचेगा 10x, इधर से भी चेक करो तुम्हारा 10x आ रहा है कि नहीं, अगर नहीं आया तो तुम्हारा सारा बैठा होगा तुम्हें कोई ना कोई गलत होगा, अगर आ गया तो सारा क्या होगा सही होगा, 120 60 180 10 190, 200x है 190 में चला जाएगा, कितना बचेगा हमारा 10x बचेगा, यानी बैठाया और जितना भी टर्म है लोग का वो सारा का सारा क्या है हम लोगों का सही है, ठीक है, ये हमारा वेन डायग्राम जो है कंप्लीट रेडी हो गया हम लोगों का, ठीक है, जो भी सवाल है इसी डायग्राम पे बेस्ड रहेगा, तो हम लोग क्या करते हैं, जो एक्स्ट्रा डेटा है उस एक्स्ट्रा डेटा को हम लोग क्या करते हैं हटा देते हैं, ठीक है, जैसे ये सब चीजें जो हम लोगों ने सॉल्व करके निकाली थी ये सारी चीज हमारी खत्म हो गई, इसको हम लोग क्या करते हैं निकाल हटा, देखो सवाल क्या बोल रहा है, सवाल क्या है, क्या बोल रहा है कि द नंबर ऑफ गर्ल्स हु आर नीदर सिंगर नॉट डांसर इज 30, लड़कियों की संख्या जो ना ही सिंगर है ना ही डांसर है उनकी संख्या कितनी है 30 है, तो ना ही सिंगर वाला देखो तो ना ही डांसर वाला, लड़कियों की संख्या कितनी है 10x है, इसका मान तुम्हें सवाल में दिए हुआ है, कितना दिए हुआ है तुम्हें 30 दिए हुआ, तो एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 3 निकल के आ जाएगी, एक्स जब 3 निकल गया तो क्या पूछा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हमारा 500x है, तो 500x जब करेंगे तो 500x कितना हो जाएगा 500 × 3 यानी कि कितना 1500, तो पहले सवाल का जो हमारा आंसर हो गया वो कितना हो गया 1500 हो गया हमारा, ठीक है, दूसरा सवाल देखो, दूसरा सवाल क्या है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स हु आर ओनली सिंगर टू द नंबर ऑफ बॉयज हु आर ओनली डांसर, रेशियो बताना है उन लड़कियों का जो केवल सिंगर है, ठीक है, वो कितनी है 120 है, और लड़कों का बताना है जो केवल डांसर वो कितना है 160 है, यानी 120x रेशियो में 160x सब करेंगे तो 40 से डायरेक्ट 3 बार में 40 से 4 बार, यानी रेशियो कितना निकल के आ जाएगा 3:4 निकल के आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा 3:4, ठीक है, चलो अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या होगा,
What is the the difference between the number of boys and girls who are neither singer nor dancer is 70. लड़कियों की संख्या जो ना ही सिंगर है ना ही डांसर है, लड़कों की संख्या 20x, लड़कियों की 10x, इनका अंतर दिया हुआ है 70, यानी कि किसका मान दिया हुआ है हम लोगों को, 20 में 10 चला गया यानी 10x, 10x की वैल्यू दी हुई है कितनी, 70 दी हुई है, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 70 निकल के आएगी। हमें निकालने के लिए क्या बोला, फाइंड द व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हु आर ओनली सिंगर 120x, फिर क्या बोला है ओनली डांसर 60x, बोथ सिंगर एंड डांसर 10x, मतलब एक किलो समय सर 120 60 180 10 190 x का मान निकालना है, 190 x निकालने के लिए जाएंगे तो 190 गुने में सॉरी यहां पे ये 7 हो जाएगा, 190 गुने में 7 जब करेंगे तो क्या देगा 1330 और ये हमारा आंसर हो जाएगा 1330 ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो अगला सवाल लास्ट सवाल हम लोगों का क्या है, लास्ट सवाल देखो क्या बोलता है, ये सवाल ना एक्चुअली थोड़ा सा ट्विस्ट है, सवाल में क्या ट्विस्ट है देखो, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज हु आर नॉट अ डांसर, डिफरेंस बताना है किसमें, नंबर ऑफ बॉयज में जो कि डांसर नहीं है, तो डांसर नहीं है मतलब क्या सिंगर है, ठीक है, डांसर नहीं है एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स हु आर नॉट सिंगर, ठीक है, जो सिंगर नहीं है मतलब क्या है, डांसर है, तो अब यहां से तुम देखो जो सिंगर है बॉयज का सिंगर क्या हो जाएगा 100x प्लस 20x यानी कि कितना 120x, ठीक है, फिर क्या हुआ दिए हुए यहां पे कि जो लड़कियों की संख्या इसमें बतानी है, डिफरेंस दिए हुए है लड़कियों की संख्या वो नॉट सिंगर, सिंगर नहीं है मतलब क्या डांसर है, 60x प्लस 10x यानी कि कितना हो जाएगा हमारा 70x हो जाएगा, जब 120x में 70x घटाएं तो कितना हो जाएगा हमारा 50x और इसी का वैल्यू जो तुम्हें दिए हुए है वो दिए हुए है तुम्हारा कितना 200, एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, एक्स की वैल्यू निकल के आ गई 4, एक्स जब हमारा 4 निकल के आया तो हमसे क्या निकालने के लिए बोला है, व्हाट इज द नंबर ऑफ बॉयज हु आर नीदर सिंगर नॉर डांसर, ना ही सिंगर ना ही डांसर यानी 20x, 20x हम लोग निकालेंगे तो 20x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 20 गुणे में 4 जो कि क्या होगा हमारा, ठीक है, कितना आ जाएगा हमारा 80 आ जाएगा और यही हमारा सवाल का आंसर है, ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये जो वेन डायग्राम है रिलेटेड ये सवाल समाप्त होता है, उम्मीद करते हैं आपको ये वेन अगला सवाल देखते हैं क्या होगा, ठीक है, 27 नंबर क्या बोल रहा है, टू बोट्स ए एंड बी 42 किलोमीटर अपार्ट इन द रिवर, दो बोट है हमारा ए और बी, दोनों के बीच का दूरी कितना है 42 किलोमीटर है, ए यहाँ पे है बी यहाँ, ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, द स्पीड ऑफ ए इज 12 किलोमीटर पर आवर, स्पीड कितना है 12 है, बी का स्पीड कितना है 16 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, इन स्टिल वाटर दे स्टार्टेड मूविंग अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर, एक दूसरे के अपोजिट में बढ़ते हैं मतलब इधर नहीं बढ़ रहा है, एक इधर बढ़ रहा है एक उधर बढ़ रहा है, ठीक है, क्या बोल रहा है, अपोजिट डायरेक्शन ए इज मूविंग अप स्ट्रीम, मतलब इधर जो है हमारा अगर अप स्ट्रीम है तो इधर क्या हो जाएगा हमारा डाउन स्ट्रीम हो जाएगा हमारा, ठीक है, फिर और क्या दिए हुए सवाल में, आफ्टर व्हाट टाइम फ्रॉम द स्टार्टिंग द टू बोट्स में, स्टार्ट होने के बाद दो बोट कब मिलेगा, सॉरी एक लाइन मैंने वहां पे छोड़ दिया, आफ्टर 1.5 आवर बोथ ऑफ देम टेक यू टर्न, डेढ़ घंटे के बाद, तो डेढ़ घंटे तक ये भी चला होगा, 1.5 आवर तक कितना दूरी चला ये भी हम लोग निकालेंगे, डेढ़ घंटे तक ये भी चला 1.5 आवर और कितना दूरी चला ये निकालना है, ठीक है, डेढ़ घंटे के बाद जो है दोनों यू टर्न मारता है तो हमें निकालना है आफ्टर व्हाट टाइम फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट द बोट में, स्टार्टिंग पॉइंट से कितने देर के बाद, मतलब तो जब से वो शुरू किया डेढ़ घंटा को भी इंक्लूड करके बोला कितने देर के बाद बोट मीट करेगा, ठीक है, बोट मीट इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम की स्पीड जो है 5/9 दी हुई है मीटर पर सेकंड में, जब किलोमीटर पर आवर में बदलेंगे तो ये 18/5 क्या हो जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर, 5-5 कदम 9 से 2 बार में कदम 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, y निकल गया हमारा 2 किलोमीटर पर आवर, जब ये y निकल गया हमारा तो डेढ़ घंटे में ये कितना ट्रैवल किया है, देखो थोड़ा ना इसमें तो लिखने का जरूरत नहीं है, 12 है 2 स्पीड है स्प्रिंग की, यानी अप स्ट्रीम में स्पीड कितना हो जाएगा 10 यानी 15 गुणे 1.5 गुणे 10 किलोमीटर यानी कि कितना हो गया 70, ठीक है, अब इधर देखो 16 है डाउन स्ट्रीम, 16 तो कितना हो जाएगा 18, 18 गुणे 1.5 करोगे यानी कितना हो जाएगा 27 किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है, अब तुम यहां से देखो जो मिलने में लगा समय, पहले मिलने में लगा समय निकालो टाइम टू मीट कहां से कहां तक में, इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट के बीच में, तो टोटल डिस्टेंस देखो तो यहां पे 15 यहां 42 यहां पे 27,
जोड़ोगे तो टोटल कितना आ जाएगा हमारा 84 आ जाएगा बटे में रिलेटिव स्पीड। अब रिलेटिव स्पीड देखो ये अप स्ट्रीम है, अब इधर से ये बढ़ रहा है डाउन स्ट्रीम और ये बढ़ रहा है अप स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम जब ये बढ़ेगा तो 12 प्लस में 2 हो जाएगा और ये जब बढ़ेगा तो यहाँ से 16 माइनस में 2 हो जाएगा, 22 खत्म हो गया, 16 कितना हो गया हमारा 28 से काटोगे तो ये तीन बार में कटेगा यानी 3 घंटे के बाद मिलेगा कब से यहाँ से, ठीक है पहले तो 1.5 घंटा चल ही चुका है तो टोटल टाइम जो लगेगा हमारा मिलने में टोटल टाइम टू मीट वो कितना हो जाएगा हमारा 3 प्लस में 1.5 आवर जो कितना है हमारा 4.5 आवर है और यही हमारा ठीक है कितना हो जाएगा हमारा 4.5 आवर यही हमारा आंसर हो जाएगा सवाल का 4.5 ठीक है। चलो अगले सवाल पे बढ़ते हैं, अगला सवाल अगर देखो क्या है, a family has four member A B C D, the average weight of family 65 kg, मतलब क्या है A B C D का जो सम है वो कितना है average 65 kg पर सम क्या हो जाएगा 65 into 4, average weight of B and D, B और D का जो average weight है वो है 51.5, पूरे में दो कर दोगे तो कितना हो जाएगा 103, ठीक है। फिर क्या दिया हुआ सवाल में तुम्हारा कि B का वेट जो है वो इंक्रीज करता है 12.5 से, तो B 12.5 की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है 1/8 होती है, ठीक है तो B का वजन जो बढ़ेगा वो कितना से बढ़ेगा सिर्फ 1/8 से बढ़ेगा, B का वजन 11.11% से बढ़ जाता है यानी D का वजन 11.11% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है 1/9, तो D का वजन जो बढ़ेगा वो 1/9 से बढ़ेगा और इस तरीके से टोटल वेट का जो है एवरेज में 3 की वृद्धि होती है, एवरेज में अगर 3 की वृद्धि हुई है तो टोटल में कितने की वृद्धि होगी टोटल में 12 की वृद्धि होगी और इंक्रीज किसके वजह से हुआ है इसके वजह से हुआ है, ठीक है शॉर्टकट यहां से देखो कि जब तुम्हें इंक्रीज मालूम हो गया 12 किलो बढ़ेगा तो डायरेक्ट इंक्रीज में बात करो कि डायरेक्ट इंक्रीज जो हुआ 12 किलो का हुआ, एक इक्वेशन ये है दूसरा इक्वेशन बी और डी का कितना हमारा 103 है, ठीक है। अब इसी को तुम्हें सॉल्व करना, सॉल्व करोगे तो बी का वैल्यू जो है वो तुम्हें 40 आएगा, डी का वैल्यू जो है वो तुम्हें 63 आएगा, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद कुछ इस तरीके से वैल्यू आएगी, यहाँ पे चेक कर लो 40 63 40 63 ऐड करोगे 103 40 जब लिखोगे तो 8 से 5 बार में 5 मिल गया 63 हो गए 9 से 7 बार में 7 and 5 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा यानी कि ये सैटिस्फाई कर रहा है। हमसे सवाल में निकालने क्या बोला है बी और डी के वेट में डिफरेंस, तो बी और डी के वेट में डिफरेंस कितने का है हमारा 23 का है और ये हमारा आंसर इस सवाल में जो है इस वाले डेटा का कोई यूज नहीं, ठीक है। ये वाला डेटा कब यूज आएगा जब तुम उसे 1/8 का इंक्रीज हुआ तो तुम इसे लिखोगे बी का 9/8, ठीक है तब भी तुम्हारा इंक्रीज में तब तुम्हारा ये इंक्रीज में जरूरत पड़ेगा, ठीक है इस चीज को ध्यान में रखो कि इतना लंबा चौड़ा करने का कोई जरूरत नहीं होता है, यहाँ पे तुम डायरेक्टली इंक्रीज निकाल कर काम कर सकते हो, ठीक है। उम्मीद करते हैं सवाल समझ में आया होगा, अगले सवाल को बढ़ते हैं, अगला सवाल है अगला, देखो अगला जो है हम लोग डीआई है मिक्सचर एलिगेशन टू पेस्ट, बिल्कुल नया डीआई जो कि लगभग मिक्सचर एलिगेशन टू पेस्ट वगैरह डीआई मेंस वगैरह माने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, सबसे पहले दे रखा है पीक्यूआरएसटी आर 5 मिल सेलर, ईच वन ऑफ देम हैज टू टाइप ऑफ कंटेनर ए और बी, दो तरह के कंटेनर है ए और बी, ईच कंटेनर हैज अडल्टरेटेड मिल्क, सब में अडल्टरेटेड मिल्क है मीनिंग मतलब क्या सम क्वांटिटी ऑफ वाटर मिक्स, मतलब उसमें प्योर मिल्क नहीं है, ए और बी दोनों में क्या है कि सब में मिल्क एंड वाटर का रेशियो, ठीक है। ईच सेलर मिक्सेस द मिल्क ऑफ टू टाइप्स ऑफ कंटेनर अवेलेबल विद हिम ओनली, हर एक सेलर जो है दोनों कंटेनर क्या करता है मिक्स करता है इन अ सर्टेन रेशियो कुछ रेशियो में। फिर क्या दिया हुआ है द कॉस्ट प्राइस ऑफ प्योर मिल्क इज सेम फॉर ऑल सेलर, प्योर मिल्क का कॉस्ट प्राइस और सभी सेलर का क्या है सेम है, ठीक है। द चार्ट बिलो शोस द परसेंटेज प्रॉफिट दैट विल बी मेड बाय सेलिंग द मिल्क ऑफ अ पर्टिकुलर कंटेनर प्रॉफिट का इंडिकेट करा रहा है कब जब वो सीपी पे ही बेस दे रहा है, तो एक चीज यहाँ से समझो कि अगर हम लोग यहाँ से देखो पी का ही देख लो, पी का ही अगर ए में बात करते हैं हम लोग पी का ए में, तो ए में जो परसेंटेज प्रॉफिट दिया हुआ है 11.11% है जिसकी फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी है 1/5 में कितनी है 9,
ठीक है, 1/9 कहने का मतलब क्या है, ये वाटर और मिल्क का रेशियो है, मतलब आउट ऑफ एवरी 9 मिल्क 1 लीटर ऑफ प्रॉफिट भी करते हैं, ठीक है, मतलब यहाँ से इस तरीके से हम लोग प्रॉफिट की तुलना कर रहे हैं, यानी कि जब भी ये परसेंटेज प्रॉफिट दिया रहता है तो मिल्क और वाटर का रेशियो हम लोग उसके फ्रैक्शनल वैल्यू से डिटरमाइन करते हैं। तुमने एकदम मिक्सर एलिगेशन में आसान सवाल को इस तरीके से सॉल्व करा होगा, ठीक है, तो जो भी डेटा है सबका तुम फ्रैक्शनल वैल्यू सबको लिख लो, उसके बाद फिर जो है हम लोग उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे। देखो पहला सवाल क्या है, मिल्कमैन पी मिक्सेस अडल्टरेटेड मिल्क ऑफ ए एंड बी इन द रेशियो 1:2, ए और बी को जो है 1:2 में मिक्स करता है, ठीक है, ए में जो है मिल्क और वाटर कितना है 1/9 है, अगर तुम वाटर की फ्रैक्शन यहां से लिखना चाहो तो वाटर क्या लिखोगे 1/10, बी में जब ए में वाटर लिखा है तो बी में भी वाटर, बी में देखो कितना है 16.67%, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है 1/15, यानी कि वाटर लिखोगे तो 1/ क्या हो जाएगा तुम्हारा 16 हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है, अब इन दोनों रेशियो में मिक्स करना है तो मिक्सचर में जो वाटर आएगा, ठीक है, मिक्सचर में जो वाटर है वो कैसे निकालेंगे, 1/10 × 1 प्लस में 1/16 × 2 बटे में 2 1 कितना 3, क्या गया हमारा 2 + 1, ठीक है, यहाँ से सॉल्व कर लो एलसीएम ले लो यहाँ पे 80 या 2 से काट लो 8 बार में 80 आ जाएगा फिर भी, ठीक है, या 40 से भी काम चला लो 40 ले लो 10 से 4 बार में 8 से 5 बार में, ठीक है, और नीचे 2 और 1 3 है 3 से मल्टीप्लाई करो 5 × 9 से कट गया 3 बार में, यानी कितना हो गया 3/ में हमारा 40 हो गया, यानी वाटर का पार्ट जो है वो 3/ में 40 इंडिकेट कर रहा है, यानी यहाँ से तुम बोल रहे हो वाटर 3 यूनिट मिल्क कितना 37 यूनिट और टोटल मिक्सचर जो है वो कितना है तुम्हारा 40, ठीक है, फिर क्या बोल रहा है सवाल में, इस सवाल में देखो क्या दे रखा है, एंड 320 लीटर ऑफ द मिक्सचर इज ऑब्टेंड, 320 लीटर, तो 40 का मान 320 के बराबर है तो क्या गुना किया है 8 गुना किया है, यहाँ पे 8 गुने कर दोगे तो क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, 320 में 24 घटा दोगे तो यहाँ 8 गुना करने का झंझट ही नहीं रहेगा, 196 तुम्हारा डायरेक्ट आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, सॉरी 296 296। अब यहाँ से देखो आगे क्या दे रखा है सवाल में, आगे What quantity of water should be added in this mixture to make a profit of 12.5%? कितना पानी मिलाया जाए कि हमें 12.5% का प्रॉफिट हो, 12.5 मतलब क्या 1/8, 1 हमारा वाटर, 8 हमारा क्या मिल्क, ठीक है, 1 हमारा किस चीज को बताएगा वाटर को बताएगा, 8 हमारा किसको बताएगा मिल्क को बताएगा, तो 1/8 जैसे ही तुमने 8 लिखा तो 1 वाटर, वाटर ऐड भी करना है तो 24 में तुम वाटर ऐड करो, 24 में बोल दो हमने एक्स लीटर वाटर ऐड करा, मिल्क तो हमारा वही का वही रहेगा 296 ही रहेगा बराबर, ये कर दो 8 × 24 कर दो क्या हो जाएगा 32, 3 × 8 = 192 प्लस में 8x बराबर में कितना 296, ठीक है, अब यहाँ से देखो थोड़ा सा तुम्हें क्या लग रहा है यहाँ पे कैलकुलेशन लग रहा है, ठीक है, इस सवाल में अगर तुम कैलकुलेशन से देखो कितना आसानी से सवाल सेव करके दिया हुआ है, 296 जो ऑब्टेन हुआ था 37 × 8 से ऑब्टेन हुआ था, 37 × 8 8 से 8 खत्म, कितना आसानी से ये सवाल खत्म हो गया बराबर में क्या हो गया 37, 6 × 7 कितना हो जाएगा, x का मान कितना निकल के आ जाएगा 6 × 12 = 13 13 लीटर निकल के आ जाएगा, नहीं हमारा आंसर पूछा था कितना पानी मिला है, ठीक है, सवाल में कोई जान नहीं होता, सिर्फ वो देखने में थोड़ा सा मिक्सचर रेशियो का सवाल है, डरावना होता है, ये चीजें तुम्हें पता होगी, ये चीजें तुम्हें समझ में आई होगी मिक्सचर रेशियो में तुमने थ्योरी पढ़ा होगा, तो ये चीजें भाई बहुत आसान लगेगी, परसेंटेज प्रॉफिट अगर सीपी पे हो रहा है, सीपी पे बेचने के बाद हो रहा है तो वो पार्ट किसका पता था, मिल्क और वाटर का, ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, सेलर क्यू मिक्सेस अडल्टरेटेड मिल्क ऑफ ए एंड बी इन 2:3, ए और बी है सेलर क्यू का बात किया 2:3 में मिक्स करता है, ठीक है, तो ए का पार्ट देखो तो ए में तुम्हारा क्या है, तुम्हारा 14.28% है जो कि 1/7 को इंडिकेट करेगा, तो ए में अगर बोल रहे हो तो 1/7, बी में बोल रहे हो 9.09, 1/11, ठीक है, वाटर और मिल्क का निकल गया, अगर तुम इसे मिक्स करोगे, अब आगे पहले सवाल देखो क्या बोल रहा है, ठीक है, एस मिक्सेस अडल्टरेटेड मिल्क ऑफ ए एंड बी इन 7:13, अब सेलर एस भी है जो ए और बी को 7:13 में मिक्स कर रहा है, तो एस का भी देख लो, एस का ए में जब तुम देखोगे तो 20% है जो कि कितना होगा 1/5, बी में देखोगे तो 30% है जो कि कितना होगा 3/10, ठीक है, आगे बढ़ो, आगे क्या बोल रहा है, मिक्स करना है, फिर बोल रहा है द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ क्यू इज व्हाट परसेंट लेस देन द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ एस ऑन सेलिंग द मिक्सचर,
क्यू पे जो प्रॉफिट परसेंटेज हुआ वो एस से कितना परसेंट करना है ये बताना है, ठीक है। पहले यहां से इसको मिक्स करते हैं, मिक्स करेंगे तो वाटर का पार्ट अगर हमसे पूछा तो 1 बाई में 8 मिक्स करना है यहां पे, तो मिक्स करते हैं यहां से 1 बाई 8 गुने में क्या हो जाएगा 2 प्लस में 11 मान कितना हो जाएगा 12, 1 बाई में कितना हो गया 12 ऑफ 3 बटे में क्या हो जाएगा 2 प्लस में 2 से काट दो 4 बार में, 3 से काट दो 4 बार में, यानी क्या हो गया 2 बाई में 4 गुने में 5 2 से 2 बार में, यानी 1 बाई में क्या हो गया 10। 1 बाई 8 लिए थे मतलब वाटर का पार्ट हम लोग लेते जा रहे हैं, तो वाटर आ गया 1 बाई में 10, तो वाटर बटे में मिल्क जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा हमारा 1 बाई में 9 हो जाएगा 10 हमारा टोटल है, ठीक है। सेम है इसको भी मिक्स करते हैं, 7 1 बाई 5 है तो 6 गुने में 7 प्लस में 13 है तो यानी 3 बाई में 13 गुने में 13 बटे में क्या हो जाएगा हमारा 7 प्लस में 13 खत्म हो गया। 7 है 6 दिया 18, 18 और 7 करोगे तो 18 7 तुम्हारा कितना हो जाएगा 6 दिया 18, 18 7 हो गया तुम्हारा 25, ठीक है। 25 बाई में 6 गुने में 13 7 करोगे तो 20 हो जाएगा, 5 से 5 बार में 5 से 4 बार में, ठीक है, यानी 5 बाई में कितना हो गया 24 हो गया। ये भी तुम्हारा क्या निकला तुम्हारा वाटर निकला, तो वाटर बटे में मिल्क में आओगे तो क्या हो जाएगा 5 बटे में कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब जो परसेंटेज प्रॉफिट है वो इसी में 100 का तो परसेंटेज प्रॉफिट आ जाएगा, हमें कमी निकालने के लिए बोला है, तो हम यहां से क्या करते हैं Q और S का जो है वो रेशियो निकाल लेते हैं, ठीक है। Q है हमारा 1 बाई में 9 और S है हमारा 5 बाई में 19, ठीक है। यहां पे 19 कर दो, यहां पे 45 कर दो, देखो यहां से साफ साफ तुम्हें दिख रहा है कितने का कमी हो रहा है, इधर से 26 का कमी हो रहा है तुम्हारा, 26 का कमी हो रहा है, परसेंटेज डिक्रीज ही तुम्हें बताने के लिए बोला था, क्या बताने बोला था परसेंटेज डिक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज कैसे निकालोगे तो 26 का कमी हुआ आउट ऑफ कितना 45 गुने में कितना हमारा 100 हो जाएगा, सॉल्व कर लो, इसे सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा 57.78%, और यही हमारा आंसर है इस सवाल का 57.78%। फिर वही सारा कंसेप्ट लग रहा है, दो रेशियो दिए हुए हैं, मिल्क और वाटर का पार्ट दिए हुए हैं, मिक्स करना है, मिक्स करने के बाद सारा सवाल करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं अगला सवाल, देखो क्या करना होगा, बोल रहा है सेलर आर मिक्स ए एंड बी इन द रेशियो 9:8, आर जो है ए और बी को जो मिक्स कर रहा है 9:8 में मिक्स कर रहा है, तो आर के लिए पहले देखो तो ए का परसेंटेज कितना होगा, आर के लिए ए है 28.57%, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू 2/7 होगी, बी का दिए हुआ है तुम्हारा 8.33%, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू 1/2, ठीक है। आगे देखो आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है सेलर आर मिक्सेस ए एंड बी इन द रेशियो 9:8, ही सेल्स द मिक्सचर एट अ फर्दर 10% प्रॉफिट, 10% के प्रॉफिट पे आगे बेच देता है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न, प्रॉफिट अर्न कितना होगा बाय सेलिंग 65 लीटर ऑफ मिक्सचर, 65 लीटर मिक्सचर बेचने के बाद इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ प्योर मिल्क इज 80 लीटर, कॉस्ट प्राइस जो है प्योर मिल्क का वो कितना है हमारा 80 लीटर, ठीक है। तो यहां से देखो सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों को मिक्स करना, मिक्स करने के बाद ही हमें कितना लीटर बेचना है 65 लीटर बेचना है, ठीक है। तो 65 लीटर जब बेचना है तो यहां से तुम पहले इसको सॉल्व मिक्स करोगे, तो मिक्स क्या करोगे 2/9 हो जाएगा गुने में 9 प्लस में 1/13 हो जाएगा गुने में कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा तुम्हारा 9 प्लस में 8 हो जाएगा, 9 खत्म हो गया, 13 गुना 26 26 और 8 करोगे तो 34 हो जाएगा, बटे में 13 गुने में 17 से काट दो 2 बार में, यानी कि 2y में क्या निकल गया 13, वाटर का फ्रैक्शन निकल गया हमारा वाटर का पार्ट, मिल्क कितना हो जाएगा, मिल्क और वाटर का अगर रेशियो हमसे पूछे तो वाटर हमारा 2 है टोटल 13, मिल्क कितना हो जाएगा 11 रुपए, ठीक है। अब तुम यहां से थोड़ा ध्यान दो कि टोटल तुम्हें जो बेचना है वो 65 लीटर बेचना है, टोटल हमारा यहाँ पे जो है वो 13 है, 65 बेचना है तो 5 गुना करोगे तो 65 आएगा, तो हर एक में क्या कर दो 5 गुना करोगे, 5 गुना करोगे तो 10, यहाँ पे 5 गुना करोगे तो 55, ठीक है। यानी कि जब हम मिक्सचर बेच रहे हैं तो मिक्सचर में हम कितना परसेंट वाटर बेच रहे हैं, मिल्क बेच रहे हैं मात्र 55 लीटर बेच रहे हैं, ठीक है।
लेकिन हम खरीद के कितना लेके आए थे 65 लीटर लेके आए थे, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा है सवाल में कि हमें कितने का प्रॉफिट हो रहा है, हमें ये बताना है, ठीक है। जबकि कॉस्ट प्राइस जो है प्योर मिल्क का वो कितना है, 80 रुपए पर लीटर है, तो सीपी है हमारा 80 रुपए पर लीटर, ठीक है। तो टोटल सीपी जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा हमारा, टोटल सीपी 80 इंटू में क्या हो जाएगा हमारा 55, ठीक है। 80 इंटू में 55 यहाँ पे हम बेच कितना रहे, खरीद कितना मिल्क कितना बेच रहे हैं, 55 लीटर भी बेच रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देखो, जब हम मिक्स किए तो हमको जो कॉस्टिंग पड़ा वो तो 55 लीटर मिलता है पड़ा ना, तो सीपी हम लोग 55 पे देखेंगे। 55 पे जब देखेंगे 85 जब 0 85 जब 40 फिर 4 8 5 40 और 44, हमारा सीपी जो निकल गया वो क्या निकल गया, 44 निकल गया। ये हम 55 लीटर क्या कर रहे हैं, मिक्स करके बेच रहे हैं, लेकिन सामने वाले को जो दे रहे हैं वो कितना दे रहा है, 65 लीटर दे रहा है। मतलब सेलिंग प्राइस जो हमको पैसा आएगा वो कितने लीटर पे आएगा, 65 लीटर पे हमारा पैसा आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, एसपी निकालेंगे। तो टोटल एसपी जब हम लोग यहाँ से निकालेंगे तो एसपी देखो हम लोग का क्या है, यहाँ पे कितने लीटर पे एसपी हमारा आएगा, यहाँ पे टोटल हमारा यहाँ से हो जाएगा ये 55 हो गया, यहाँ पे 65 हो जाएगा। 10% के प्रॉफिट में बेचा है तो 80 पे जब 10% निकालोगे तो 110/100 यानी कि कितना दे देगा, 88 देगा। सेलिंग प्राइस कितना हो गया हमारा, 88 इंटू 65 करोगे तो 88 इंटू 65 देगा 5720। अब तुम्हें क्या करना है, इन्हीं दोनों का डिफरेंस निकालना है। इन दोनों का डिफरेंस देखो तो यहाँ से निकाल के कितने का डिफरेंस दे रहा है, यही डिफरेंस जो तुम्हारा दे रहा है प्रॉफिट के रूप में होगा, वो प्रॉफिट कितना हो जाएगा तुम्हारा 1320 रुपीज हो जाएगा, और ये तुम्हारा आंसर है 1320 रुपीज, ठीक है। उम्मीद करता है यहाँ तक का सवाल तुम्हें क्लियर होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल क्या हम लोग का बोल रहा है, सेलर पी मिक्सेस अडल्ट्रेटेड मिल्क फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशियो 5:7, ठीक है। सेलर पी के लिए बोला जो ए और बी मिक्स करता है वो किस रेशियो में मिक्स करता है हमारा, 5:7 में मिक्स करता है, ठीक है। सेलर टी मिक्स, टी जो है मिक्स करता है ए और बी को कितना में मिक्स करता है, 11:15 में मिक्स करता है, ठीक है। सेलर टी गिव्स पी 280 लीटर ऑफ मिक्सचर, ये जो है इधर 280 लीटर मिक्सचर दे रहा है, ध्यान रहे मिक्सचर दे रहा है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है सवाल में, इन रिटर्न पी गिव्स हिम 256 लीटर मिक्सचर, बी जो इसको टी को दे रहा है इसके बदले में वो क्या दे रहा है, 256 लीटर मिक्सचर दे रहा है। ध्यान रहे कि ये मिक्सचर का आदान प्रदान कर रहा है, टी दिया 280, पी दिया 256, ठीक है। अब देखो यहां से आगे आगे क्या बोल रहा है सवाल में, व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस मेड बाय सेलर टी इन द एक्सचेंज, सेलर टी के द्वारा जो एक्सचेंज हुआ इसमें सेलर टी को कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस हुआ, ये हमें निकालना है, ठीक है। तो यहां से जब मिक्स करेंगे तो हम पहले ए का पी का ले लेते हैं, पी का ए में कितना है हमारा 1/9 है, ठीक है। फिर बी में कितना है हमारा 1/15 है, ठीक है। फिर यहां से टी में आते हैं, टी में ए का कितना है हमारा, टी में ए का है हमारा 3/8 और यहां पे है 1/20। अब मिक्सिंग करते हैं, मिक्सिंग जब करेंगे तो ए के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 5×1/10 वाटर का पार्ट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। प्लस में 7×1/ कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। बटे में 5 प्लस कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 5 से काट तो 2 बार में, यहां से 8×8=7=15 बटे में क्या हो जाएगा, 16×7=5=12 3×5 में 3×4 में, ठीक है। यानी 5/ में क्या हो गया, 64 वाटर का पार्ट किसमें, मिक्सचर में। जब वाटर 5/64 है तो तुम यहां से मिल्क भी बता सकते हो, यानी वाटर और मिल्क का रेशियो अगर तुमसे मैं पूछूं तो वाटर 5 है तुम्हारा, टोटल 64 है, तो मिल्क कितना हो जाएगा तुम्हारा, 59 हो जाएगा, ठीक है। इस वाले टर्म में इसमें क्या है तुम्हारा, 3/ कितना हो जाएगा, 11×11 प्लस में 1/ कितना हो जाएगा, 21×15 बटे में क्या है 11 प्लस में क्या है 15, 3×11 खत्म, 3×7 3×5 में 7×21 5 कितना हो जाएगा, 26/7 और नीचे में 26 है ही हमारा, तो 26 खत्म हो गया, 7×21 5 26/7 और यहां से 26 खत्म हो गया, यानी क्या मिल गया हमको यहाँ पे 1/7। अगर वाटर और मिल्क का रेशियो पूछो तो वाटर ये और 6 ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से देखो तुमने जो आदान प्रदान किया वो मिक्सचर का आदान प्रदान किया, उसमें वाटर का कोई रोल नहीं है, अगर लॉस जो होगा वो मिल्क की वजह से होगा। तो ये देखो कि टी ने मिल्क कितना दिया और पी ने इन रिटर्न मिल्क कितना दिया। अगर मिल्क का बात करेंगे हम लोग तो मिल्क कैसे निकलेगा हमारा, 6/7×कितना 280 का, ठीक है।
तो 7 से काट दो, 7 से कितना बार में, 4 बार में 6 × 24 240 लीटर मिल्क पी ने दिया क्यू को, ठीक है। इसमें अगर हम लोग मिल्क का बात करें तो मिल्क का बात हम लोग जब करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा मिल्क 59 बटे में 64 गुने में कितना 256, ठीक है, 256 से कट जाएगा 4 बार में, यानी कि 236 यानी 236 लीटर मिल्क हो गया। अब देखो जो आदान प्रदान एक्चुअली में क्या हुआ, टी ने 240 लीटर मिल्क दिया, इन रिटर्न पी ने 236 लीटर मिल्क दिया, ठीक है। तो यहाँ साफ साफ दो में दिख रहा है कि 240 के लिए उसे 236 ही मिल रहा है, यानी 4 लीटर का उसे लॉस हो रहा है। परसेंटेज लॉस निकाल दो, परसेंटेज लॉस जब निकालोगे तो परसेंटेज लॉस क्या हो जाएगा तुम्हारा, 4 लीटर का लॉस आउट ऑफ 240 गुने में क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, 0 0 खत्म हो गया 40 बटे में, यानी कि 1.66 दे देगा, 4 से काट दो ये 6 बार में, 1.66% का तुम्हें क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। और इसी के साथ हमारा जो आंसर है, आंसर ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, 1.66% का लॉस, ठीक है। अगला सवाल पे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है सवाल में, इक्वल क्वांटिटी ऑफ अडल्टरेटेड मिल्क फ्रॉम कंटेनर ए, सिर्फ कंटेनर ए का बात कर रहा है, ठीक है, किससे, क्यू से और आर से। कंटेनर ए का क्यू और आर में पार्ट देखो तो तुम कहां पे है, कंटेनर ए में, जब क्यू में तुम देखोगे तो क्यू में है 1/7 और आर में जब तुम देखोगे तो आर में है तुम्हारा 2/7, ठीक है, परसेंटेज प्रॉफिट यही दिया हुआ है तुम्हारा। अब यहां से देखो क्या बोल रहा है, इक्वल क्वांटिटी ऑफ अडल्टरेटेड मिल्क फ्रॉम कंटेनर ए ऑफ क्यू एंड आर आर मिक्सड इन 144 लीटर ऑफ मिक्सचर, ठीक है, देन ऑब्टेन 100 जब मिक्स करा गया तो 144 लीटर मिक्सचर ऑब्टेंड हुआ, 144 जब ऑब्टेंड हुआ होगा तो 72 लीटर इससे आया होगा, 72 लीटर इससे आया होगा, ठीक है। जब 72 आ गया तो किसी एक चीज को निकाल लो, अगर मैं वाटर ही निकालना चाहूं तो वाटर कैसे निकलेगा, देखो यहां पे 1/8 गुने में 72, यानी 1/8 करोगे तो 1 से कट, 8 से कट जाएगा 9 बार में। अगर मैं मिल्क ही यहां से निकाल देता हूं तो मिल्क देखो तो कितना हो जाएगा, 7/8 हो जाएगा, 9/7 जाएगा कितना, 63 लीटर मिल्क हो गया हमारा क्यू से। और इसमें भी अगर मिल्क का बात करूं तो यहां पे मिल्क हो जाएगा 7/9 गुने में 72, 9 से काट दो 8 बार में, 8/7 जाएगा क्या हो जाएगा, 56 लीटर हो जाएगा, ठीक है। जो मिक्सचर रेडी होके आया, मिक्सचर में हमारा अगर मिल्क बोले हम लोग तो मिल्क कितना हो जाएगा, 63 प्लस में 56 बटे में टोटल कितना 144, 6 × 9 = 6 = 5 = 11, 119 बटे में 144 आया, ठीक है, ये हमारा मिक्सचर हो गया। अब यहां से ये वाटर और मिल्क का जो हमारा है, मिल्क बटे में ये हम लोगों ने क्या लिखा, टोटल लिखा। अब यहां से देखो आगे क्या हो रहा है, इसके बाद क्या बोला सवाल में, 1 लीटर ऑफ प्योर मिल्क इज एडेड, प्योर मिल्क जब ऐड करोगे तो पूरा कंटेनर भी बढ़ेगा, यानी 120 बटे में क्या हो रहा है 145। तुम यहां से थोड़ा सा समझो कि 120 मिल्क है, 145 हमारा टोटल है, तो हमारा क्या हो रहा है 25 लीटर का फायदा हो रहा है। एक्चुअली में हमारा जो एक्चुअल फायदा हो रहा है वो क्या हो रहा है, 25 लीटर का फायदा हो रहा है, ठीक है। अब जो भी सीपी रहेगा, अगर हम सीपी पे ही बेच रहे हैं तो हमसे अगर प्रॉफिट निकालने के लिए बोलेगा तो 25 गुने में जो सीपी रहेगा वो सीपी कर देंगे। अगला लाइन क्या बोल रहा है, आगे सेलर जो है फिर एडेड हो गया, फिर एडल्ट्रेटेड मिल्क फ्रॉम कंटेनर बी ऑफ पी एंड एस आर मिक्स इन द रेशियो 8:13। एडल्ट्रेटेड मिल्क है बी का, कहां कहां से हमको बोला है, पी से और एस से, तो पी और एस में देखो तो बी का कितना है, बी का पी में देखोगे तो 1/15 है और एस में देखोगे तो 3/10 कितना है तुम्हारा, 10 है। किस रेशियो में मिक्स करा गया है, 8:13 में मिक्स करा गया, तो मिक्स करो तो थोड़ा सा मिक्सचर का देख लेते हैं क्या क्वांटिटी आता है। जब मिक्स करोगे तो वाटर के अकॉर्डिंग अगर मिक्स करोगे तो 1/16 गुने में 8 प्लस में 3/13 गुने में क्या हो जाएगा हमारा 13 बटे में क्या हो जाएगा 8 प्लस में 13, 8 से काट दो 2 बार में, 3 × 13 = 13 खत्म, 3 × 2 = 6 और एक कितना हो जाएगा 7/2 और 13 × 8 कितना हो जाएगा 21, 7 × 3 बार में यानी क्या हो गया 1/6, ठीक है। 1/6 कहने का मतलब क्या है हमारा, वाटर 1 और ये क्या हो जाएगा 6, तो हम अगर मिल्क बोलेंगे तो मिल्क कितना हो जाएगा 5 और हमारा वाटर कितना हो जाएगा, मिल्क हो गया हमारा जब 5 तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा, टोटल हो गया हमारा 6, ठीक है। यहां पे प्रॉफिट जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, 1 का हो रहा है। अब यहां से क्या बोला आगे सवाल में, आगे देखो कि 8:13 में जब मिक्स किया तो 120 लीटर मिक्सचर ऑब्टेंड होता है,
तो 120 से ऑप्टेंड हुआ था, यहाँ 6 ऑप्टेंड हो रहा है, इसको 120 बनाने के लिए क्या करेंगे, 20 यहाँ भी 20 से गुना कर देंगे, यानी क्या हो जाएगा 5 × 100 और यहाँ से 120 लीटर हो जाएगा। मतलब अब यहाँ से देखो कि अगर हम लोग सीपी पे बेचेंगे तो हमें कितने लीटर का फायदा होगा, 20 लीटर का फायदा होगा। अब सवाल में तुमसे आगे और भी क्या दिए हुए हैं सवाल में, व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट बाय सेलिंग द टू मिक्सचर इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ प्योर मिल्क इज 80 रुपए प्रति लीटर। पूरे मिल्क को जब बेचेगा तो कितने का फायदा होगा जब कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा 80 रुपए है, मतलब कॉस्ट प्राइस पे बेचना है। तो यहाँ पे देखो तुम्हारा जो प्रॉफिट हो रहा है वो 25 लीटर का प्रॉफिट हो रहा है, और यहाँ पे जो प्रॉफिट हो रहा है वो 20 लीटर का प्रॉफिट हो रहा है। तो हमसे सिर्फ प्रॉफिट की ही चर्चा की हुई है, तो 20 और 25 कितना हो जाएगा 45 लीटर, और कितने रुपए का है निकालना, ये 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे 32 और 40, यानी क्या हो जाएगा 3600 रुपीज, और यही हमारा आंसर है 3600 रुपीज। ठीक है, तो इस टाइप के डीआई को लिटरली डीआई में कोई जान नहीं था, सिर्फ समझने का चीज है कि समझो वहां पे वो बोलना क्या चाह रहा है और इस तरीके से उसे सॉल्व करो। ठीक है, उम्मीद करते हैं डीआई समझ में आया होगा आप लोगों को। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन। अगला देखो क्या बोल रहा है, एन आर्टिकल ऑफ कॉस्ट प्राइस रुपीज डैश इज मार्क्ड एट रुपीज 400। ठीक है, एक आर्टिकल जिसका कॉस्ट प्राइस मतलब फर्स्ट ब्लैंक जो है हम लोगों का, वो क्या हम लोग को इंडिकेट कर रहा है, सीपी को इंडिकेट कर रहा है। सीपी ए मान लिए जिसपे जिसका मार्क प्राइस कितना है हमारा 400 है। ठीक है, द आर्टिकल इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ डैश परसेंट, तो प्रॉफिट ऑफ हम लोग मान लेते हैं पी परसेंट पे बेचा जाता है। आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट परसेंट विच इज 80% ऑफ द प्रॉफिट परसेंट, मतलब डिस्काउंट परसेंट जो है वो प्रॉफिट परसेंट का 80% है, यानी कि डिस्काउंट परसेंट कितना हो जाएगा 4p/5 हो जाएगा। ठीक है, अब तुमसे स्टेटमेंट बोला हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू विल फिल इन द ब्लैंक, मतलब इन दोनों को कौन भरेगा। तुम्हें एक चीज मालूम होनी चाहिए कि सीपी बाई में एमपी बराबर में हमारा होता है 100 - डिस्काउंट परसेंट / 100+ क्या प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, सीपी हमारा यही फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, सीपी ए है ये 400 है, 100 - डिस्काउंट परसेंट यानी 4p/5/100+p। ठीक है, अब यहां से देखो इसी को जब फर्दर तुम सॉल्व करोगे तो ए बाई में 400 = 500 - 4p बटे में 5 × 100+ क्या हो जाएगा पी, 5 से काटो 80 बार में ए की वैल्यू जो निकल के आ जाएगी वो क्या निकल के आ जाएगी 80 × 500 - 4p बटे में कितना 100+ कितना पी। ठीक है, ये हमारी वैल्यू निकल के आ गई। अब इस वैल्यू पे हमको चेक करना है कौन कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। फर्स्ट ऑप्शन अगर तुम देखोगे तो फर्स्ट ऑप्शन है तुम्हारा 256 है और 25 है, मतलब ए का मान 256, पी का मान क्या है हमारा 25 है। इधर 256 रहने तो यहाँ चेक कर लेते हैं 25 आ रहा है कि नहीं, 80, 25 × 4 करेंगे तो 100 हो जाएगा, 500 में 100 चला जाएगा यानी 400, बटे में 100+25 करेंगे तो 125 हो जाएगा। 25 से 5 बार में, 25 से 16 बार में, 5 से काटोगे तो कितना बार में 16 × 16 = 256 होता है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया सेटिस्फाई हो गया। तो मतलब हम लोग को किस इक्वेशन पे पहुंचना है, इस इक्वेशन पे पहुंच के सारी वैल्यूज को चेक कर लेनी है। सारी वैल्यू को चेक करने के बाद इस सवाल का हमारा जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी कौन सा आंसर आएगा, ऑल ऑफ दीज आएगा। ठीक है, तो चेक कर लेंगे हम लोग सारा एक एक करके ऑप्शन और उसके बाद फिर ऑल ऑफ दीज टिक आउट कर लेंगे। क्लियर है बात यहां तक में, अगला क्वेश्चन चलते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, देखते हैं हम लोग क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए मैन पुट्स 40,000 ऑन सिंपल इंटरेस्ट एट एक्स परसेंट पर एनम एंड एन इक्वल अमाउंट ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट एट अ रेट ऑफ x + y% पर एनम। ठीक है, उतना ही पैसा 40,000 रुपए लगाता है वो कहां, x + y% पे। ही गेट्स 12,600 इंटरेस्ट फ्रॉम सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 3 ईयर, यानी कि जब वो 40,000 रुपए लगाया 3 साल के लिए x% के रेट से तो उसको क्या मिला, 12,600 मिला, 000000 खत्म, 3 से काट तो इसे 4 बार में, 4 × 12 = 42 बार में, 4 से जब इसे काटोगे तो 10.5 बार में कटेगा, यानी x की वैल्यू जो निकल के आ गई वो कितनी निकल के आ गई 10.5% निकल के आ गई। ठीक है, आगे देखो आगे क्या बोल रहा था कि वही 40,000 को कंपाउंड इंटरेस्ट लगा था, बोल रहा है व्हाट कैन बी द वैल्यू ऑफ वाई सच दैट डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट अर्नड आफ्टर 3 ईयर फ्रॉम 2 डिफरेंट इन्वेस्टमेंट इज मोर देन 3200।
दो डिफरेंट इन्वेस्टमेंट मतलब एसआई और सीआई का अंतर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए 3200 से अधिक होना चाहिए, इसके लिए हम लोग वाई की वैल्यू क्या रखें ये हमें बताते हैं। ठीक है, तो देखो मिनिमम से शुरू करो, ऑप्शन में देखो 3, 2.5, 2, 0.5, 1.5 है, 0.5 से शुरू करो। तुम जब 0.5 से शुरू करोगे तो क्या निकल के आएगा 10.5 और प्लस में 0.5 यानी कि 11% निकल के आएगा। ठीक है, 40,000 पे जब तुम 11% लगाओगे तो क्या करना है तुम्हें 341% पे जब तुम 11% लगाओगे तो यहां से क्या हो जाएगा तुम्हारा 1 प्लस में 11 बाई में 100। ठीक है, और -2 to the power 3 क्या कर दोगे 1 कर दोगे। इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व करने के बाद लगभग में ये 14,705 देगा। ठीक है, कितना देगा 14,705। तुम्हारा सीआई से जो इंटरेस्ट मिला वो मिला 14,705 और एसआई से जो इंटरेस्ट है वो है 12,600। ठीक है, कितना है हमारा 12,600 जो कि घटाने के बाद लगभग में हमको 2105 रुपए देगा जो कि 3200 से अधिक नहीं है। तो 0.5 क्या होगा हमारा नहीं होगा। अब दूसरा चेक करो, जब तुमने y क्या लिया था यहाँ पे y का मान कितना लिया था 0.5 लिया था। ठीक है, अब तुम y का मान जो है 0.5 से बड़ा यानी कि 1.5 लोगे तो x प्लस वाई तुम्हारा क्या निकल के आएगा 10, 11 और 1 12% निकल के आएगा। ठीक है, अब फिर उसी तरीके से 40,000 पे 1 प्लस में 12/100 ठीक है टू दी पावर 3 माइनस में 1 करोगे तो यहां पे ये तुम्हें लगभग में 16,197 निकल के देगा इंटरेस्ट। ठीक है, जब 16,197 तुम्हारा निकल के आ गया तो तुम चेक करो कि तुम्हारा जो डिफरेंस है वो 3200 से अधिक है कि नहीं। तो 16,197 माइनस में 12,600 ठीक है, जब घटाओगे तुम इसे तो ये 3597 आसपास में देगा, 3597 ये तुम्हें निकल के देगा। ठीक है, जो कि 3200 से तुम्हारा क्या है ज्यादा है। अब तुम एक चीज बताओ कि जैसे जैसे तुम y की वैल्यू बढ़ाते जाओगे ये तुम्हारा 16,000 क्या होगा इंक्रीज करता चला जाएगा, जब जब ये 16,000 इंक्रीज करेगा तो 3500 से भी ये इंक्रीज करता चला जाएगा। हमसे यही सवाल में पूछा था कि 3200 से अधिक होना चाहिए, हमें नेट एक्यूरेट नहीं बताना था, हमें मालूम हो गया कि जो रेंज है हमारा ऑप्शन के अकॉर्डिंग वो 1.5 से ऊपर जितना भी जाएगा वो सारा हमारा क्या होगा सेटिस्फाई कर जाएगा। तो 1.5 से जो भी ऊपर जा रहा है तो वो हमारा क्या होगा सेटिस्फाई। ऑप्शन में देखोगे तो 0.5 को छोड़ के सब 1.5 से क्या है अधिक है, तो डी नंबर को छोड़ के हमारा ओनली ए बी सी ई जो हो जाएगा वाला पार्ट जो हो जाएगा ये हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि डी हमारा क्या था 0.5 था। तो सवाल में थोड़ा सा ये कैलकुलेट कर लो यहाँ से और थोड़ा सा तुम्हारा सवाल जो है आसान हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इस तरीके से हम लोग का जो सेशन है ये सेशन 2 हमारा समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं ये सीरीज आप लोगों को समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखें, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है, जितने भी लोग हैं इसको सबको शेयर करो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, जहां जहां तक हो सके फेसबुक वगैरह पे ग्रुप वगैरह में शेयर करो, पीडीएफ के साथ शेयर करो। ठीक है, तब तक अपना ध्यान रखो, चलो नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।